किसी दुर्घटना में बचाव के लिए सबसे तेज और सुरक्षित वाहन एम्बुलेंस को माना जाता है। गंभीर व नाजुक हालत के मरीजों के परिजन एम्बुलेंस के अंदर अपने मरीजों को सुरक्षित महसूस करते हैं। एम्बुलेंस चालक अपनी पूरी जी जान लगाकर मरीज को अस्पतालों में पहुंचाने का काम करता है, लेकिन जब ये एम्बुलेंस चालक ही एम्बुलेंस के अंदर शराब और कबाब का सेवन कर रहे हों तो भला किसी और को सुरक्षित अस्पताल ले जाना कैसे संभव होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल के आसपास खड़ी निजी एम्बुलेंस की, जिसमें चालक सहित अन्य लोग जो शराब और कबाब का सेवन कर रहे हैं। सवालिया निशान यहाँ ये भी है कि सरकारी संस्थान के अंदर इस तरह की हरकत निजी एम्बुलेंस चालकों द्वारा की जा रही है, जिसकी जरा से भी भनक अस्पताल प्रशासन को नहीं लगी। वहीं एम्बुलेंस के अंदर बैठे लोग मीडिया के कैमरों को देखकर आनंद फानंद में खिसकते नजर आए। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर का इस मामले में हाथ खड़े करना भी चिंता का विषय है। उनका मात्र ये कहना है कि इस मामले की शिकायत जिला सिविल सर्जन से या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कर सकते हैं, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि एम्बुलेंस के अंदर शराब और मांस का प्रयोग हो रहा था। वहीं निजी एम्बुलेंस चालक का कहना है कि वो सिर्फ खाना खा रहा था, शराब का सेवन नहीं कर रहा था। उसके साथ बैठे हुए लोग शराब का सेवन कर रहे थे। बता दें, इस तरह की करतूत किसी की जान ले सकती है। जिला और अस्पताल प्रशासन को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, ताकि किसी के जीवन के साथ ये लापरवाह एम्बुलेंस चालक खिलवाड़ न कर सके। यहाँ पर एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, एम्बुलेंस आपने खड़ी कर रखी है, मरीज को ले जाएंगे और मैंने खुद अभी तक तो नहीं आपकी गाड़ी एम्बुलेंस के अंदर आप दारू पी रहे हैं। सर, मैंने नहीं पी, मैं ये बोल रहा, मैंने खाना खाया बिल्कुल। तो जो आपके साथ आदमी बैठे थे वो कहाँ गए? सर ये तो सेफ नहीं है जी, ये तो ठीक नहीं है ये सर। बाकी प्राइवेट के लिए हम कुछ कह नहीं सकते सर, हम तो अपनी सरकारी चला रहे, सेवा दे रहे जी। एम्बुलेंस तो एम्बुलेंस ही है। एम्बुलेंस का मतलब है कि एक मरीज को सांस देना। हाँ, सांस देना जी, सही सलामत अपने हॉस्पिटल तक पहुँचाना सर। ये इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। तो अभी यहाँ से कोई चंडीगढ़ रेफर हुआ मरीज? हाँ जी, हाँ हुआ है। प्राइवेट एम्बुलेंस में गया? नहीं, प्राइवेट में क्यों जाएगा जी, हम तो अपनी 108 में कहते हैं कि वहाँ जाके पता कर लो जी, वहीं से जाता है। अच्छा अच्छा, तो अभी 108 की एम्बुलेंस गई है कि प्राइवेट गई है? देखिए जी, मैं इतने दायरे में काम करता हूँ, कौन सी गई है कौन सी नहीं गई है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि यहाँ पे बाहर जो एम्बुलेंस के ड्राइवर बैठे हैं वो बाहर गाड़ी में बैठ के दारू पी रहे थे? देखिए जी, उसकी आप पूरी शिकायत हमारे एमएस साहब से कर सकते हो, सीएमओ साहब से कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन जी, अंदर गाड़ी खड़े होना अलाउड करना, ये मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है ना। ठीक है, ये हमारे एमएस साहब और सीएमओ साहब, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू।